एक तरफ जहां केंद्र व राज्य की त्रिवेंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे लगाकर बेटियों की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं अगर बेटियों की सुरक्षा की जमीनी हकीकत देखी जाए तो मौजूदा सरकार में दावे धरातल पर फ्लॉप नजर आते हैं। मौजूदा सरकार में पुलिस प्रशासन के लचर रवैये से बेटियों को इंसाफ तो दूर की बात, उनकी FIR तक दर्ज नहीं हो पाती। ऐसा ही कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर देने वाला सनसनीखेज मामला जनपद हरिद्वार के थाना भगवानपुर में सामने आया है, जहां 12 वर्षीय एक मासूम को बंधक बनाकर लगातार 10 घंटे तक बलात्कार किया गया। जब वे देर रात तक मासूम घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने पड़ोस में जाकर पूछताछ की तो पता चला मोहल्ले की एक महिला ने मासूम को बंधक बना रखा है, जिसकी शिकायत पीड़ित परिजनों ने डायल 100 पर की, पर पीड़ित को वहां से मायूसी ही मिली। कोई पुलिस अधिकारी वहां मौके पर नहीं पहुंच पाया। फिर तहरीर द्वारा शिकायत थाने में मंडावर चौकी पर की गई, वहां पीड़ित को इंसाफ तो दूर की बात, उसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई। जी, उसने मुझे दोपहर में भेजी अपनी लड़की बुलाने के लिए। अच्छा। जो मैं चली गई, फिर उन्होंने मुझे ताले में बंद कर लिया। किसने? सहरा नानी। अच्छा। फिर जो मेरे भाई यार ढूंढते फिरे, कहा मुझे बोलिए ना नहीं तेरा कड़ा ही घोट। अच्छा। फिर मैं बोली नहीं, फिर कहने में लग रहे चल लगी, बोले ना जो बोल लोगी तो तेरा गला घोटूंगी। फिर मैं बोली नहीं, मेरे पापा गए मेरे, फिर मैं चौकी वाड़े में धक्का मरण लगी तो वो भी मुझे मरण नहीं दिया। तो प्रकरण में वादी द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें उसके द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री के साथ गलत काम करने की इसमें तहरीर दी गई है, जिसमें एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें उन्होंने अपनी एक मोहल्ले में रहने वाली एक महिला पर आरोप लगाए और साथ में एक अभियुक्त को नामजद किया है, और इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य विवेचना में आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। 3 दिन गुजर जाने के बाद जब पीड़ित परिवार की थाने में FIR दर्ज नहीं हो पाई तो पीड़ित परिवार ने हमारे इंडिया लाइव TV 24 चैनल के स्थानीय संवाददाता के पास पहुंचकर मासूम पर हुए जुल्म की पूरी दास्तां बताई। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। वहीं मीडिया का कैमरा खुलने के बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया। वहीं जब इस बाबत मीडिया ने थाना अध्यक्ष गोविंद कुमार से पूछा तो उन्होंने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। अब सवाल ये भी है, आखिर मीडिया के कैमरे के बाद ही पुलिस कार्रवाई अमल में लाती है? और वो उसने लड़की को 2 बजे मुंदा और रात को करीबन 8:30 के करीब उसको निकाला जबरदस्ती। अच्छा। जी, वो बोलने लगी कि यहाँ से निकल गई, 2000-1000 रुपये नाम दियो मुझे, जो यहाँ निकली तो निकली। तो लड़की के साथ क्या हुआ? लड़की के साथ, वो लड़की को पता है, लड़की जैसे बंद कर रखी थी, मुझे पता है इतनी बात का पता, इस समझ के नहीं पता। तो पुलिस में तहरीर दी? पुलिस में तहरीर दी, पुलिस ने कहा 3 दिन का टाइम दो, हम सब कुछ करेंगे। चलो, कल दशहरा था, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आज फिर गए, आज बोले 3 दिन के बाद सब कुछ हो जाएगा, आपको सब कुछ जो आप चाहोगे हो जाएगा। तो उसके बाद हम आ गए। तो क्या मानते हो, लड़की के साथ कुछ गलत काम हुआ? जी, गलत काम हुआ लड़की के साथ, लड़की खुद बता रही है।